जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के स्टूडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको इन दिनों के बारे में, इस सप्ताह के बारे में, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो तैयार रहें और अपने कुर्सी की पैठी बांध लीजिए और खुद का राशिफल तो जरूर देखिए, लेकिन साथ ही साथ अपनों के बारे में भी जरूर देखिए। अपनों कहने का मतलब अपने पत्नी या पति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माता पिता, भाई या बहन के बारे में भी जरूर देखिए। देखिए, एक बड़ी खुशी की बात है और आप सभी का शुक्रगुजार हूं मैं इस बात को लेकर के कि मेरे जब राशिफल आते हैं, विशेष तौर पर साप्ताहिक राशिफल और दैनिक राशिफल, दैनिक राशिफल इमेज के फॉर्म में इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, और साप्ताहिक राशिफल वीडियो के फॉर्म में चाहे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। और ये जो राशिफल हैं, इनमें आप कमेंट जब करते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आपके ऊपर ये राशिफल 100% सटीक बैठते हैं। हाँ, कई बार आप 90% भी कहते हैं, कुछ दर्शक कहते हैं 90% हम पर सटीक बैठता आपका राशिफल, तो 90% बैठना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक स्तर पर है। देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है, आपकी जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है, है ना, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं क्या चल रही मुझे नहीं पता है, तो इसमें आप जब 100% कहते हैं तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कुछ दर्शक 90% भी कहते हैं तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। जब आपको खुद के बारे में कुछ जानना है तो उसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ता है। उसमें सारी बातें रहती हैं, जैसे आपकी कुंडली में बनने वाला अच्छा ही बुरा ही हो, आपके विवाह के पश्चात भाग्योदय, आपके विवाह हुआ उसके बाद में कुछ दिक्कत आ गई है, आपका वास्तु खराब है, आपके पितृदोष है, या फिर कुल दोष, वैसे कुंडली में दिखता नहीं है लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस ये पता चल जाता है कि हो सकता है आपको कुल दोष हो, वगैरह 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 बहुत सारे दोष, या बहुत सारे अच्छे योग जैसे धन योग, महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग इत्यादि, उसमें पता चल जाते हैं। तो एग्जैक्टली कुछ विशेष प्लान आप कर रहे हैं इस आने वाले सप्ताह, आने वाले महीने, आने वाले 2-3-4 महीनों में, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। और यदि आप कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, जैसे रोजमर्रा का जीवन चलता है वैसा जीवन यदि आप जी रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने का कोई नीड नहीं है। आप तो ये जो राशिफल है ये देखिए और इसके आधार पर अपने निर्णय लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ। चलिए, मेष राशि से शुरुआत करते हैं और मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद या तनाव हो सकता है। हाँ, घर परिवार में तनातनी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच में मतभेद हो, ऐसी स्थिति मुझे ज्यादा बनती हुई नजर आती है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर भी आपका मतभेद, ब्रेकअप जिसको कहा जाता है, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। पहले ब्रेकअप हुआ था तो और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यदि आप सगाई आपने करके रखी हुई है और आप शादी करने वाले हैं तो सावधानी से, मतलब देखो कई बार क्या होता है, आप कुछ कह रहे हैं और उसको बात तो कुछ और गलत कई बार ले लिया जाता है या समझ लिया जाता है, या हो सकता है आपका तरीका ऐसा हो जाए, तो अपने तरीकों पर, अपने बोल पर थोड़ा कंट्रोल रखें। ठीक है, हम मानते हैं कि आप गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार चूंकि गलत ले लिया जाता है तो कई बार चुप रहना भी एक सॉल्यूशन होता है, तो ये मैं आपसे जरूर कहूँ। घर में घरेलू तनाव अधिकतर बोलने की वजह से होते हैं, तो कई बार चुप रहा जाता है। अब मैं इस बारे में बड़ा प्रैक्टिकल हूँ तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक इस्कॉन टेम्पल के मॉन्क हैं गौर गोपाल दास जी, उन्होंने कहा कि रिश्तों को बचाने के लिए यदि झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाइए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती, डोंट वरी, हाँ मैं जस्ट एक एग्जांपल देके समझाया, लेकिन फिर भी मतभेद, आर्ग्यूमेंट जरूर दिखते हैं। हाँ चलिए, अच्छा,
खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतें, काबू रखें, और यात्राएं भी हो सकती हैं। हालांकि एक बात मैं आपसे कहूं कि यदि यात्रा आपके कैरियर को लेकर के और पढ़ाई को लेकर के, जैसे नौकरी के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, बिजनेस के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, प्रोफेशन के उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो इन उद्देश्यों में आपको लाभ है। लेकिन घर परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आपका, चूंकि मैंने कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो ना जाएं, है ना, घूमने फिरने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ ना जाएं, क्योंकि रिश्ते बिगड़ सकते हैं। खर्च ज्यादा हो सकता है, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम अच्छी होगी, खर्चों पर संयम बरते, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना, कोई भूमि में निवेश करना, है ना, ऐसा कोई निवेश करना है यदि आपको, तो उस दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं है। चलिए मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन भूमि गाड़ी वाहन के लाभ के योग दिखते हैं। हाँ जी, तो आपके लिए ये कहूंगा कि निवेश करने के योग हैं। हाँ, ये वक्त निवेश करने का है, ये वक्त आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का है। जैसे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे थे तो वो इन्वेस्टमेंट, वो निवेश बढ़ेंगे। जैसे शेयर मार्केट में आपने निवेश करके रखा होगा, है ना, आपने म्यूचुअल फंड में कहीं निवेश करके रखा होगा, आपने कहीं भूमि में निवेश करके रखा होगा, कोई कोई प्रॉपर्टी होगी, फ्लैट वगैरह, मकान वगैरह, तो आपको ये पता चलेगा इस समय कि उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है। तो आपके निवेशों में बढ़ोतरी होगी, नया कोई निवेश यदि आप करते हैं तो नए निवेश का भी आपको अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा मिलेगा, तो ये भी एक बात है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है, हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ डावाडोल हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और यदि बड़ी समस्या है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोई कोई दवाई किसी चीज की आप खा रहे हैं, तो मेरा कहना ये बनता है कि ज्यादा ध्यान दीजिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए, प्रिकॉशन भी रखिए। प्रिकॉशन कहने का मतलब ये कि जब बीमार पड़ते हैं हम या समस्या होती है तो हम मेडिसिन खाते हैं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि पहले से ही कुछ नहीं है तो भी दिखा दो कि कुछ होगा तो नहीं, हाँ, ताकि पहले ही हम कुछ उसके प्रिकॉशंस कर लें और हम बच जाएं, तो ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। देखो बड़ा उल्टा हो रहा है ये, अब मेष राशि वालों के लिए जो जो चीजें मैंने अच्छी कही थी वो यहाँ पर अच्छी नहीं है, और जो उनके लिए बुरी कही थी वो यहाँ पर अच्छी है। मतलब मित्र, परिवार, रिश्ते जो हैं वो यहाँ पर मुझे अच्छे होते हुए नजर आते हैं। पहले कहीं मतभेद थे, अलगाव थे, वाद विवाद थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, तो वो मुझे यहाँ पर आपके खत्म होते हुए नजर आते हैं, और रिश्ते मिलते हुए नजर आते हैं। मिलते मतलब बॉन्डिंग मजबूत होती हुई नजर आती है। इसी के साथ में आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपका विवाह हो सकता है, आप अकेले हैं तो प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, या फिर आपकी सगाई हो सकती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में लाभ के योग है, तो आप यदि, चूंकि देखिए अभी मई का ही समय चल रहा है, वैसे मार्च अप्रैल में अधिकतर प्रमोशंस होते हैं, लेकिन मई में भी प्रमोशंस होते हैं, जून में भी प्रमोशंस होते हैं, कई सारी कंपनीज में, कई सारी जगहों पर, तो प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर इंक्रीमेंट अप्रेजल भी आपका हो सकता है। तो पैसे, धन, आय, इनकम के बढ़ने के योग हैं, आर्थिक स्थिति के और ज्यादा मजबूत होने के योग हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो निवेश कीजिए, निवेश भी आपका बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी, मजबूत होगी। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार मिलने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, शुभ समाचार मिलेगा, किस विषय में, अब देखो आप किस जगह पर हैं और किसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप स्टूडेंट होंगे, एग्जाम का रिजल्ट लेना चाहते होंगे, एग्जाम देना चाह रहे होंगे, हो सकता है आप नौकरी लगना चाह रहे होंगे, हो सकता है बिजनेस सेटल करना चाह रहे होंगे, कोई डील लेना चाह रहे होंगे, शादी करना चाह रहे होंगे, बच्चे के लिए कुछ होगा, जो भी, देखो आप किस लायक हैं, किस जगह पर हैं, और किसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वो शुभ समाचार आपको मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और हाँ, यश में वृद्धि के योग है, मान सम्मान में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। हाँ, ये समय आपको
और उन्नति दिलवाएगा। ये समय आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, ये समय आपको और ज्यादा मजबूत करेगा, हाँ ये समय आपको और ज्यादा तैयार भी करेगा आने वाले वक्त के लिए, तैयार करेगा मतलब सिखाएगा। हाँ आने वाले वक्त के लिए तैयार तभी होते हैं जब हम कुछ सीखते हैं, तो ये समय सिखाने वाला समय है और सिखाने के साथ साथ पॉजिटिव आपको एक्सपीरियंस करवा करके आपको सफल करवाने वाला समय भी है। कई बार मैं ये कहता हूँ कि ये समय सिखाएगा लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, आज आने वाले कल में लाभ मिल सकता है। आपके लिए कहूँगा आज ही सीखेंगे भी और आज ही लाभ मिलेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बत्ती नजर आती है। हाँ थोड़ा सा तनाव रह सकता है, चिंता तनाव मेंटल, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की कुछ फिजूल की बातें आपके मन में आ सकती है जो आपको सता सकती है। तो व्यर्थ के तनाव से जरूर से आपको निकलना चाहिए। अपने हृदय, यदि आप हृदय हार्ट पेशेंट हैं, यदि आप हृदय रोगी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इत्यादि यदि आपको है, तब तो आपको जरूर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और दवाई मेडिसिन जो आपको डॉक्टर ने लिखी है, नहीं भी लिखी है तो डॉक्टर के पास जाइए। यदि आपको लगता है कि आप हार्ट पेशेंट और डॉक्टर के पास नहीं गए हैं तो इस वीक जरूर जाइए, ये भी गाने से पहले जाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए, है ना। जो भी मेडिसिन वो देते हैं, जो भी आपको वो ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिकॉशंस के लिए कहते हैं, एक्सरसाइज के लिए कहते हैं, जरूर कीजिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा आपको देना पड़ेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत लाभ करवाने वाला है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब मांगलिक कार्य वैसे तो देखें शादी ब्याह इत्यादि को मांगलिक कार्य विशेष तौर पर कहा जाता है, गृह प्रवेश को मांगलिक कार्य कहा जाता है, लेकिन अभी इस समय भी ऐसे योग नहीं है, मतलब मुहूर्त नहीं है, योग तो ठीक है लेकिन कुंडली में माफी चाहूंगा पंचांग में मुहूर्त नहीं है, क्योंकि मुहूर्त नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है। तो आजकल क्या हो रहा है ना, मैं कई बार ये देख रहा हूँ, मैंने किसी को प्रेडिक्ट किया कि आपके यहाँ मांगलिक कार्य के योग दिखते हैं, उसी कुंडली में मुझे दिख रहा था क्योंकि कुछ अच्छा मांगलिक कार्य होगा और गेट टुगेदर होगा। अब मैंने ये बड़ा झिझकते हुए उसे कहा क्योंकि कुंडली तो दिखा रही है कि मांगलिक कार्य होगा और गेट टुगेदर होगा, लेकिन उस समय मुहूर्त थे नहीं। यदि वो व्यक्ति मुझसे कहता कि अच्छा वो जो मांगलिक कार्य होगा उसका मुहूर्त भी आप निकाल दो, तो मैं बोलता भाई मुहूर्त नहीं है और प्रिडिक्शन दे रहा हूँ मांगलिक कार्य होगा। तो मैंने बड़े झिझकते हुए क्लाइंट से कहा कि देखो आपका ना अभी जो अगले महीने या डेढ़ महीने के बाद में है मांगलिक कार्य होगा, मांगलिक कार्य के योग दिखते हैं, गेट टुगेदर के योग दिखते हैं, आपके बड़े नाच गाने के योग दिखते हैं, अब ना सगाई के कुछ मुहूर्त थे, ना विवाह के कुछ मुहूर्त थे, ना गृह प्रवेश के कुछ मुहूर्त थे। उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बेटी है वो 5 साल की हो रही है, उसका बर्थडे है और हमने सब जगह से, इनके मामा पक्ष से, मेरे मामा पक्ष से और बेटी के मामा पक्ष से और हमारे पूरे परिवार से बहुत सारे लोगों को बुलाया है, तो करीब करीब जो है 250-300 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हम बड़े एक गार्डन लेकर के फंक्शन कर रहे हैं, बड़ा नाच गाना होगा और हमने 2 दिन का वो फंक्शन रखा है और वहाँ पर हवन यज्ञ भी होगा एक दिन। मैंने कर लीजिए, तो आजकल बर्थडे भी ऐसा मनाया जाता है जो मांगलिक कार्य दिखता है कुंडली में, तो हाँ जी इसको भी मांगलिक कार्य कह सकते हैं क्योंकि हवन यज्ञ आप कर रहे हैं बर्थडे पर और फिर गेट टुगेदर कर रहे हैं लोगों के साथ मिलजुल करके भोजन कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का मांगलिक कार्य ही कहलाता है आज के ज़माने में, अच्छा है। पदोन्नति का योग है, पद में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी, नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, आप बिजनेस करते हैं उसमें उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, लाभ के योग मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं और लाभ होगा, वो प्रतिष्ठा का लाभ भी हो सकता है, वो धन का लाभ भी हो सकता है, वो स्वास्थ्य का लाभ भी हो सकता है। ये समय आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा करेगा, मजबूत करेगा। हाँ पहले यदि कहीं आप परेशान थे स्वास्थ्य को लेकर के, तो अब आपकी परेशानियां यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। वो पारिवारिक लाभ भी हो सकता है, लोग पहले किसी से झगड़ा हो गया था, दूरी हो गई थी, मनमुटाव मतभेद हो गया था, वो भी मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके ये वक्त आपके लाभ करवाएगा और आपको नया एक्सपीरियंस देगा, खुशी देगा, उत्साह देगा और
आगे ही बढ़ाएगा हर दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों को। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं, हाँ जी, फिजूल खर्चों से बचिए, फिजूल खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं। आपको मैं एक बात ये कहूंगा कि निवेश ना करें, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना है, भूमि में निवेश करना है, ये वक्त उनका नहीं है। इसी के साथ साथ पहले कोई निवेश करके रखे थे तो उनको देखते रहें। जैसे कई बार कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, तो यह लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जिसको पोजिशनल ट्रेड कहते हैं, स्विंग ट्रेड कहते हैं, कि दो दो महीने की ट्रेड होती है, तो इस सप्ताह उनको देखें, छोड़िए मत अपने आप में कि एक महीने बाद देखूंगा, नहीं, उसको देखें, हो सकता है कुछ आपको घाटा हो, तो उसको आपको निकालना चाहिए या उससे आपको निकलना चाहिए। ये मैं आपसे यहाँ पर जरूर कहूंगा सिंह राशि वालों से। किसी को उधार नहीं देना है पैसा, ये बात भी ध्यान रखिए। नया विचार आएगा, नई प्लानिंग्स आप करेंगे, लेकिन पैसा लगाने की प्लानिंग अभी नहीं करना है। प्लानिंग कीजिए, जैसे बिजनेस को लेकर आपको प्लान करना है कि भाई बिजनेस में मैं ये करूंगा या करूंगी, अच्छी बात है, प्लान कीजिए, उसको भविष्य के लिए रखिए, अगले सप्ताह के लिए रखिए, लेकिन इस सप्ताह आप निवेश ना करें, आप पैसा ना लगाएं, हाँ, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। तो प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, नया विचार आने के लिए अच्छा समय है। मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, हालांकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति सिंह राशि वालों के लिए मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी और पहले यदि कहीं मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो खत्म होते हुए आपके लिए नजर आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य फिजिकली कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, विशेष तौर पर यदि आपको कोई बड़ी या लंबी बीमारी से डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बाकी ठीक है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा, तनाव ज्यादा लगेगा, दबाव ज्यादा लगेगा। ये वक्त आपको ऐसा फील करवा सकता है कि मैं दे रहा हूं 100, मिल रहा है 50, और वो देखो वो धन के क्षेत्र में भी हो सकता है, वो आपके परिवार के क्षेत्र में भी हो सकता है, वो आपके पढ़ाई के क्षेत्र में भी हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो सकता है। कई बार होता है ना, हम कहते हैं हमने लोगों के लिए बहुत किया या हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा जस नहीं मान रहे हैं। हाँ, हम स्वास्थ्य ठीक करना चाह रहे हैं, मेडिसिन भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। तो हाँ, ये पीरियड थोड़ा सा आपको ये एक समस्या जरूर देगा, मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसके आने वाला पीरियड या आने वाला सप्ताह आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इस साप्ताहिक राशिफल में एक बात और ये भी कहूंगा कि आपके साथी से मतभेद हो सकते हैं, आपके आपके जो साथी, कहने का मतलब विशेष तौर पर पति पत्नी, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर, यदि आप सगाई में है, सगाई हो चुकी है आपकी, तो वहां पर, और यदि आपके कोई बहुत अच्छे मित्र है तो वो, और यदि आपके कोई बिजनेस पार्टनर है तो वो, तो यहां पर आपके मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, तो आप देखिए, देखो मतभेद कभी भी परिवार में तो अच्छे नहीं रहते हैं, तोड़ने वाले ही रहते हैं, रिश्तों में मतभेद कभी भी तोड़ने वाले ही रहते हैं, तो आप देखिए कि क्यों मतभेद हो रहे हैं और किस प्रकार से इनको ठीक किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय खराब है, खराब तो नहीं है, आवक कम हो सकती है, ये बात मैं कहूंगा, लेकिन पहले का जो जमा धन है वो कहीं नहीं जाने वाला, या जो संपत्ति है उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, नया निवेश ना करें या नया कुछ सोचे ना, ये मैं जरूर आपसे कहूंगा। सोचे ना कहने का मतलब बिजनेस में नया ना सोचे, नौकरी स्विच करने की ना सोचे, अपने निवेशों के बारे में नया इस समय ना सोचे, क्योंकि श्रम का उतना ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए आज का समय आपको तपा देगा, और आने वाले वक्त में आज की सीख या आज की प्लानिंग आप रखते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का डर मन में हो सकता है, जैसे एंजाइटी होना, या ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, एग्जाम देकर के आए थे, क्या होगा,
बाहर जाना है, भारत के बाहर, तो क्या होगा वगैरह वगैरह इत्यादि। फिजूल का डर आपको सताएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि पदोन्नति के योग हैं। हाँ जी, पदोन्नति के योग हैं, इंक्रीमेंट आपका हो, धन में, पैसे में, आय में, इनकम में वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आपका बिजनेस अच्छा चले, बिजनेस आपका और ज्यादा मुनाफे में आए, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आपके घूमने फिरने के योग, यात्राओं के योग, विशेष तौर पर हो सकता है कि घर परिवार के साथ भी आप घूमने फिरने कहीं जाएं, और ये घूमना फिरना आपको आने वाले पीरियड के लिए बहुत अच्छी मेमोरी दे। कई बार आपने ये पाया होगा कि हम हमारे परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए थे और वहां की कुछ मेमोरीज हमारे दिमाग में पिक्चर जैसी बैठी हुई है, पिक्चर बन, हम यदि उसके बारे में सोचते तो पिक्चर्स आती हैं कुछ हमारे दिमाग में। हाँ, तो ऐसी कुछ स्थिति या ऐसी कुछ मेमोरी यहाँ पर हो सकती है। तो वो पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं, वो आपके धन, आय, इनकम, पैसे, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, इन दोनों ही दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने कहा था फिजूल का डर होगा, तो हाँ देखो, फिजूल का कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस बात को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। और जब फिजूल का डर होता है ना, तो फिर फिजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं भी आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखिए, अपने हेल्थ का आप ध्यान जरूर रखिए, मैं ये बात आपसे कहूंगा यहाँ पर। हाँ, तो पहले तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए और फिर फिजिकल हेल्थ का अपना ध्यान रखिए। और यदि आपको कोई लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तब तो आपको जरूर अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन एंजाइटी में आ सकता है। हाँ, जैसा मैंने तुला राशि के लिए कहा था, वृश्चिक राशि आपके लिए भी मैं ये बात कहूंगा कि ये समय आपको मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली यदि हम बात करें कि कहीं ऐसा वो जो नेगेटिव आप सोच रहे हैं, क्या वो होगा? नहीं जी, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव समय। ये अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आप जहां निवेश करेंगे, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, भूमि में निवेश करते हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे और वहां पर लाभ आपको मिलेगा। बिजनेस में कुछ निवेश करना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं, वो निवेश आपको लाभ करेगा। आपके मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से आपको लाभ मिलेगा, तो रिश्ते में आपका लाभ है। ये वक्त लाभ करवाने वाला है, ये वक्त प्रतिष्ठा देने वाला है, ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन मानसिक तौर पर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं, मैं हमेशा बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले जब मैं अपनी बात भी बताता हूँ, जब एग्जाम देने जाते थे, छोटे थे जब एग्जाम देने जाते थे, तो बड़ा डर लगता था कि पता नहीं एग्जाम कैसी होगी, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। और एग्जाम दे के आते थे, रिजल्ट अच्छा आ जाता था, है ना। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी में 70 नंबर से कम नंबर कभी आए हों। हाँ, उस समय 70 नंबर आ जाना भी बहुत बढ़िया होता था, 100 में से 70, 100 का टोटल होता था। तो हम लोग जब 70 75 नंबर आ जाते थे, 80 नंबर आज तक आ जाते थे, तो हम बड़े इतने खुश होते थे। आज के ज़माने में तो मैं बच्चों के चार्ट देखता हूँ, 98, 99, 95 ऐसे ही आते हैं। तो एग्जाम देते वक्त बड़ी चिंता हुआ करती थी, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो खुशी हो जाती थी कि चलो अच्छा रिजल्ट गया। तो वही स्थिति मुझे आपके साथ यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखती कि चिंता रहेगी, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। लेकिन ओवरऑल जब आप काम करेंगे, जब आप समय को जियेंगे, तो आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैं फिजूल डर रहा था, फिजूल डर रही थी, फिजूल परेशान हो रहा था, फिजूल परेशान हो रही थी, है ना। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि फिजूल परेशान ना हो। चलिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि विशेष तौर पर यदि कोई सरकारी काम आपको करवाना है या कर रहे हैं, तो साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपकी सरकारी सफलता मुझे दिखती है। अब सरकारी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो हो सकता है कोई किसी प्रकार का
कुछ आपको आदेश लेना होगा कि घर बनाने के लिए कोई परमिशन लेनी होगी, कुछ इनकम टैक्स को लेके कुछ कर रहे होंगे, जो भी सरकारी चीज पर या सरकार को लेकर आप कुछ कर रहे हैं या कुछ चाहते हैं, तो ये समय मुझे सफलताकारी दिखता है, आपको सफल करवाने वाला दिखता है। ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पहले यदि कहीं मनमुटाव मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो आर्ग्यूमेंट्स मनमुटाव मतभेद खत्म होते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, नौकरी स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं, इंक्रीमेंट प्रमोशन अप्रेजल चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिले ऐसा दिखता है। और बिजनेस में भी व्यवसाय में भी आपके मुझे लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ऑल धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, और विशेष तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करवाने वाला ये समय है, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला ये समय है, कुछ नया दिलवाने वाला ये समय है, प्रतिष्ठा दिलवा सकता है, प्रतिष्ठा करवा सकता है, ऐसा ये समय है। तो लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, लगे रहिए, जिन भी कार्य में आप लगे हुए हैं लगे रहिए। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं और खुद व्हीकल चला करके कहीं आप जा रहे हैं, तो मेरा तो आपके लिए यहाँ पर कहना यह है कि अभी खुद ट्रेवल ना करें। हाँ ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले, ड्राइवर का सहारा ले यदि जरूरी है, तो जरूरी नहीं है तो अभी ट्रेवल इस सप्ताह ना करें। नए दोस्त बन सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कई बार मनमुटाव अपनों से, जिनके साथ आप पहले से थे उनसे मनमुटाव हो जाता है, और कई बार आप नए लोगों के संपर्क में आते हैं और वो आपको अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये पाया है, जब बचपन में हमें स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में अधिकतर ऐसा हुआ करता था कि पुराने लोग कई बार मतभेद के कारण बुरे लगते थे, क्योंकि वो आपको स्पष्ट बोल देते थे, आपसे आपसे डरते नहीं थे ना, स्पष्ट बोल देते थे, आपका अच्छा चाहते थे ना, स्पष्ट बोल देते थे। और नए जो थे वो चूंकि डरते थे या कुछ लालच हुआ करता था, तो वो स्पष्ट नहीं बोल के मीठा मीठा बोलते थे, तो उस समय इतनी बुद्धि नहीं होती थी स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में, उनसे जो है ऐसा लगता था यही अपने हैं। बाद में चीजें समझ में आने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वही बात मैं आपसे यहाँ पर कहूंगा कि ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा ये समय, तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में और ज्यादा उन्नति देगा, वृद्धि देगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बिजनेस करते हैं उसमें यदि आप कोई निवेश करते हैं तो वो भी होगा। तो देखो, ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य या वाहन के कष्ट जो मैंने आपको बताया उसके दृष्टिकोण से, और मित्रों के दृष्टिकोण से या धोखा मिलने के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें, इस मैं जो बातें बताई इनको फॉलो करें, पालन करें। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, ये समय सफलता दिलवाएगा, ये समय आपको आगे बढ़ाएगा, और जो कार्य आप कर रहे हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन अप्रेजल या वाहवाही हो, या कोई प्रोजेक्ट मिले तो उसमें आपका आपको अच्छी ग्रेड मिले, एक बात ये। दूसरी बात ये कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके कस्टमर क्लाइंट्स आपके बारे में अच्छा बोले, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मन चिंतित जरूर रह सकता है, तनाव में जरूर रह सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि फिजूल की चिंता तनाव में मत आइए, आप अपनी मेहनत कीजिए, क्योंकि ये वक्त आपको चूंकि पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाने वाला है, तो चिंता तनाव करके क्या होगा, और ज्यादा आप परेशानी होंगे और उन रिजल्ट्स को, अच्छे रिजल्ट्स को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और ये जो जर्नी है एक अच्छे रिजल्ट पाने की जर्नी है, इसको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। हालांकि नए लोगों से, नए दोस्तों से, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना आपका हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। सफलताकारी ये समय है, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होने वाला या मजबूत करने वाला ये समय है, तो अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि।
और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करते हैं। मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली और उसको भी कहता है कि आपके व्यापार में लाभ मिलेगा, आपके धन में लाभ मिलेगा, आपके नौकरी में लाभ मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। तो ये समय आपके लाभ का समय है, उन्नति का समय है, सफलता का समय है, आपको आगे बढ़ाने का समय है। हाँ, थोड़ा हेल्थ का कष्ट, स्वास्थ्य का कष्ट मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, ये एक बात जरूर है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रखिए। ऐसे कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन बड़ी बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, तो इसकी तरफ से आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। लेकिन धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम दे पाएंगे, यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, मैं ये कह सकता हूँ मीन राशि वालों के लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और हाँ, प्लान कीजिए, ये वक्त प्लान करने का है। यदि आप इस समय कुछ प्लान करते हैं तो आने वाले पीरियड में आज के प्लान, आज की योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका राशिफल है, जो भी आपका भविष्यफल है, वो मैंने आपको समझाया। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप यदि आपको पसंद आया है तो जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।